अच्छा रेस्टोरेंट आ गया है बॉम्बे के लिए। अच्छा नहीं, मैं थोड़ी सी एक आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने इस रेस्टोरेंट का खाना कल ही खाया कि मैं स्पेशल गेस्ट थी तो मुझे खाना भिजवाया गया। मतलब मैं उंगलियां नियली खा गई, इतना अच्छा स्वाद। कोई 5-star रेस्टोरेंट 7-star रेस्टोरेंट से बेटर स्वादिष्ट खाना यहाँ पे है। ITC दिल्ली की मेन शेफ यहाँ की शेफ है, तो आपको अमेजिंग फूड, माउथ वाटरिंग फूड। और अभी त्योहारों के दिन में एक अमेजिंग रेस्टोरेंट खुल गया है जुहू में। वैसे भी बहुत कमी थी, अंधेरी लोखंडवाला से लेके बैंड्रा तक हम लोग को एक स्वादिष्ट यम्मी कुछ अलग रेस्टोरेंट की जरूरत थी, और ये मिला। मैम अभी काफ़ी लोगों से बात हुई जो आपके ऑलरेडी अंदर है, वो भी ये कह रहे हैं कि 5-star होटल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑप्शन इन्होंने जुहू में दे दिया। इसलिए फैमिलीज के लिए जो खासकर जो इकोनॉमी की बातें हो रही है कि हर जगह महंगाई महंगाई महंगाई, तो 5-star रेस्टोरेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बेटर क्वालिटी फूड, वैसे ही डेकोरेटेड फूड, वैसे ही सर्विंग स्टाइल में, वैसे ही एम्बियंस में यहाँ पे मिल जाएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, विशेष दे रही हैं आपको, कैसा लग रहा है सर? हमेशा जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा कहीं भी जाती है तो सबको बेस्ट विशेष ही देती है, अच्छा ही बोलती है। वाकई में उनके आने से बिना बोलते नहीं चार चांद लगे। लेकिन मैं खाना खा चुकी हूँ कल और आपके सामने खड़ी हूँ मैं खुशी से, तो जैसे मैंने कहा मैंने लिए अपनी रोटियाँ खा गई कल, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया ताकि मैं यहाँ आके जस्टिस कर सकूँ, तो मैंने अपना पेट खाली रखा है। मैम बिग बॉस की मालकिन आप बनी है, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी धमाल मचा है आपने बिग बॉस के घर पे, क्या कहना चाहिए आप? आपने डांस करके पूरे इंडिया को नचा दिया है। अच्छा है, आदत है पहले फिल्म से इंडिया को नचाने की, मैंने कैरी ऑन किया। मैडम सेंट्रल लुक किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है मैम आपको? मतलब सुपर रेस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे फैंस, मेरे वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड्स, ऑडियंस इतने खुश हैं। और खास करके वो हमेशा अमीषा को एक स्वीट अच्छे अंदाज में देखते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये रिस्पॉन्स था कि मैम पहले जब आप अंदर जाए तो मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह से और ऑडियंस के रिस्पॉन्स जहाँ भी मैं जाती हूँ, एयरपोर्ट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, जो भी पब्लिक प्लेसेस हो, क्योंकि मैम मैम हम हमेशा आपको याद करते हैं कि आप एकदम स्वीट। जब हम लोग को लगा कि मालकिन कैसे उनमें सब अंदर जाके कैसे उनको सीधा करेगी, लेकिन रिस्पॉन्स देके हम इतने खुश हैं कि आप अंदर जाके एकदम बॉस बन गए। तो मैंने बोला हाँ बिग बॉस का घर तो मेरा घर है, मेहमान की रूम में बॉस बनना ही था। तो आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? आप कितनी दिन एक्चुअली मैं पहले दिन काफ़ी गई थी अंदर, और ये जजमेंट कॉल लेना कि कौन फेवरेट था कोई नहीं ये गलत होगा, क्योंकि फेयर चांस सबको देना चाहिए और सब अपने काबिलियत से ही जीतेंगे, क्योंकि ये शो सब जाते हैं कि स्क्रिप्टेड तो है नहीं। तो जो अंदर होगा तो लोगों की जो यू नो फाइटिंग है, असलियत है, वो तो बाहर बाहर के आएगी। तो पहले दिन तो सब काम था, तो बिग बॉस अभी देखते हैं क्या क्या होता है। जिस तरह से आपने कोरोना वायरस में आपने एंट्री मारी थी, तो आपने बिग बॉस में काफ़ी डबल डेब्यू एंट्री मारा जा रहा है, काम सलमान सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान सर मेरे को स्टार रहे हैं, मैं सर ही बोलती हूँ, तो मेरे लिए सलमान ही है, मेरे अच्छे फ्रेंड है, और मैं उनको फिल्मों से आने से पहले जानती हूँ। मैडम सेंट्रल लुक तो मेरी शुरुआत सलमान के साथ बहुत पहले की दोस्ती है, और हमारी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से हमने फिल्म की, और हमारी दोस्ती जारी है। और बिग बॉस सलमान खान से ज़्यादा बिग बॉस के लिए उनसे बेटर होस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एकदम आम आदमी के थ्रू मतलब उनकी पहुंच है, और वो रिलेट कर सकते हैं जिस तरह से वो जोक करते हैं या डांटते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखते, बहुत एंटरटेन होते। तो दे कैन बी नो वन बेटर फॉर बिग बॉस देन सलमान खान। अमीषा यू विल बी हैविंग बिग बॉस में आने से पहले एक शायद आप थोड़ा पीछे चलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजय जी हमारे बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त हैं, और मैं चाहती हूँ कि बिला
विला 49 जो है वो सारे यहाँ के जितने भी क्लब्स हैं उसको फ्लॉप करते हैं. बेस्ट विशेज ऑन दिस, और हमेशा अच्छा रहेगा, काम और आगे बढ़ेगा. इसके साथ और ज़्यादा क्लब खुलेंगे. काफ़ी ओपनिंग में काफ़ी इनोग्रेशन में अच्छी आप काफ़ी दिख रही हैं आजकल, क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जस्ट अभी समथिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. मैंने अभी एक शाहरुख के साथ वेब सीरीज की और एक मेरा म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है पंजाबी स्पीड रिकॉर्ड के साथ सहा मेरे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं जो हो सकता है एज ए प्रोड्यूसर मैं वर्कआउट करूँ अभी, और मतलब उसमें मैं ही दिखाऊँ. तो लेट्स सी, अभी बहुत सारा काम है, अभी टाइम ही कितना हुआ है, इंडस्ट्री के अंदर आए हुए मुश्किल से 18 महीने हुए हैं और बहुत काम कर लिया अल्लाह का शुक्र है, और ऊपर वाले ने बहुत इज्जत से नवाजा है. तो अभी तो शुरुआत एकदम से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है. बिग बॉस लास्ट में कितना फॉलो कर रही है, बिग बॉस में कुछ नया हो रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं बताइए. सी बिग बॉस, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि बिग बॉस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक ऑडियंस नेचुरल चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है. तो लेट्स सी, अभी तो 3 हफ्ता हुआ है, अभी आई थिंक TRP 1.4 रही है. मैं दिल से चाहती हूँ अच्छा जाए, बेस्ट विशेज है मेरी बिग बॉस टीम के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ खड़े हैं बिकॉज ऑफ कलर्स. सो थैंक यू, लव यू कलर. सर आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा लॉन्च होगा 49 का, क्या कहना चाहेंगे? यार मेरे सारे आशी जी और मेरे सारे बहुत सारे आने वाले पार्टनर ने जो बेस्ट विशेज दी तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. ऑलवेज वॉकिंग है वो कहीं भी जाती है, पार्टी में जान लाते हैं, तब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो आते हैं बहुत पॉजिटिव है, उनके वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, तो कहीं भी जाती है तब मुझे अच्छा लगता है. ऑलवेज गुड. अजय जी ने हमारे दोस्त हमारे पार्टनर ऑलरेडी विशेष दे दिए फाइन डाइनिंग कर रहे हैं, फैमिली क्राउड चाहिए ना पाओ, क्योंकि रोज नए पाओ खुलते हैं, हम चाहते हैं कि फैमिली क्राउड आवे, अच्छे लोग आवे, क्रीम क्राउड आवे. और अब यहाँ का फूड जो इंडिया का बेहतरीन सेफ है उनको स्पेशली लाए हुए कि फूड से कुछ अलग हट के फूड मिले. ये विला 49 में जिला 49 के जिला 49 है, यहाँ पर हर तरह का, हर जिले का स्वाद, हर जिले का खूबसूरती, रूप, रंग, म्यूजिक, संगीत, खाना पीना सब मिलेगा. तो मैं इनके जो करता धरता है भाई हमारे अजय भाई और तमाम लोगों को शुभकामना देता हूँ. बहुत ही मुबारक दिन में रखा है विला 49, आज करवा चौथ के दिन रखा है, तो करवा चौथ की सबको शुभकामनाएं और विला 49 की सबको शुभकामनाएं. और यहाँ व्यंजन की काफ़ी अच्छे व्यंजन दिल्ली से सेफ आए हुए यहाँ. अरे वाह, बहुत अच्छी दिन आया क्योंकि आज ही के दिन व्यंजन अच्छा चाहिए, क्योंकि घर की पत्नियाँ जो है व्रत तोड़ती है, उन्होंने तो अगर अच्छा व्यंजन नहीं मिला तो साल भर आपको अच्छा व्यंजन नहीं मिलेगा. अगर हमें अच्छा व्यंजन नहीं मिला तो फिर हम साल भर इनको, पत्नियाँ ऐसी होती हैं कि पूरे साल भर बहुत सारी डिमांड करती हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, अच्छा चाहिए, तो हम सारा साल जो है ना इन पतियों को मतलब जीने नहीं देते, पूरे साल अपनी डिमांड करते हैं, साल में एक दिन करवा चौथ रखते हैं और फिर ईश्वर से कैटरिंग देखा जाए तो करवा चौथ का ये टाइम ही चल रहा है, करवा चौथ का संबंध होता है चांद से, और आप देखिए सारी चांद वाली फिल्में आ रही है. बिग बॉस तो आ चुकी है, पूजा चमन आ रही है, बाला आ रही है, हाउसफुल 4, उसमें तो 4 चांद है, तो ये समझ लीजिए कि ये सब मुझे लगता है कि चांद की मदद करने के लिए आ रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा, सिफारिश करने के लिए चांद सिफारिश वाली. गंजे आदमी बेचारा आज की दिन तो घर में छुपता फिर रहा है, क्योंकि अगर गंजा कहीं दिखाई दे तो गाना गाने लगती महिला है. तो आए तो आया मुझे यार गली में आज चांद दिखला. और हमारे रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से देश के तमाम होम मिनिस्टर्स को यानी गृह मंत्री को करवा चौथ की शुभकामनाएं. मेरे पत्नी ने भी
करवा चौथ का उपवास रखा तो हमने कहा गिफ्ट क्या चाहिए, तो वो बोली उजड़ा चमन। मैंने कहा किससे कह रही हो तुम उजड़ा चमन, बोली ये उजड़ा चमन पिक्चर देखना। तो मैं बोला उजड़ा चमन तो क्या, बाला भी दिखाऊंगा, हाउसफुल भी दिखाऊंगा और जल्दी ही यूट्यूब पर आ रही बिग बॉस भी दिखाऊंगा। तो आप तमाम लोगों को चांद मुबारक, चांद मुबारक। मित्रों आप खुश रहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप पर कोई धारा नहीं लगेगी, केवल एक ही धारा लगेगी, धारा धारा शुद्ध धारा। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वेला 49 मेरे लिए करवा सौ। सर व्रत तोड़ के आए हो कैसे? व्रत तोड़ भाई इससे मेरे खुद टूटू, व्रत तोड़ कर आया हूँ। यहाँ का ड्राइवर जो कैसे हो गया, नहीं नहीं आपको बहुत बहुत मुबारक हो, करवा चौथ की आप सबको शुभकामनाएं। एक मिनट सर, ऑडियो कहीं नहीं आ रहा सर, आ रहा है सर, ऑडियो नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो नहीं, करवा चौथ की आप सबको शुभकामनाएं। और आज देख ही रहे हैं आप करवा चौथ की कब्रत तोड़वा कर भी आया हूँ सर, इधर आ जाइए, वरना चांद अगर बाइट कर देना, देखो आज तो खुशी का मौका है। और मेरा पूरी राय ये जनरेशन के लिए बल्कि ये फैमिली के लिए और बहुत अच्छा शुक्रिया। और विला 49 में आज यहाँ पर नए नए खाने के पकवान हो गए, तो क्या खाने की सारे आइटम कौन से आइटम आपके फेवरेट क्या, मतलब क्या फेवरेट चीज़ है, फेवरेट डिश क्या है? मेरा तो नॉनवेज फेवरेट है, नॉनवेज में जो भी मिल जाता खाने का। और यहाँ पर कुछ छोटी बात है, वेज नॉनवेज का बड़ी अच्छी तरीके से बनाता हूँ, टेस्टी जायकेदार बनता है। लोगों से क्या कहना चाहिए आप लोगों को, आप लोग शाम तक ही बैठे क्योंकि यहाँ सो सुकून मिलता है, कहीं नहीं मिलता, अच्छा बनाए। थैंक यू सो मच। फाइव स्टार से आप सुकून नहीं जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप आके आज फाइव स्टार जैसा खाना खाएंगे। हाँ वो अच्छा प्राइजेस क्या है नेक्स्ट टाइम के लिए, आज तो मुझे फ्री मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए सिर्फ प्राइजेस क्या है। बट एनी वे ये तो मजाक की बात है, पर हम लोग यहाँ पे हैं बिकॉज हमारे दोस्त हैं अजय जी और उन्होंने नया रेस्टोरेंट खोला। लेट्स सी ऐसे मुश्किल हालात में नया ओपनिंग, इट्स रियली चैलेंजिंग। ओके, आपकी कौन सी फेवरेट डिश और यहाँ पर आप क्या खाना पसंद? यार मुझे पूछोगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। उसके बाद वो भी डाइट पर रहती हूँ, तो वेज में देखती हूँ अंदर जाती क्या है। बट आई एम श्योर कि आजकल हेल्दी डाइट चल रही है, तो देखते हैं। बिकॉज फिल्मी क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे, तो हम चाहते हैं कुछ ना कुछ सैलेड से संबंधित अच्छी चीज़ें होंगी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? विश यू ऑल द बेस्ट टू द फ्रेंड ऑफ थैंक यू। एक मूवी कर रहा हूँ करवा, आपने देखा होगा काफ़ी सीरियस है। अजय भाई मेरे भाई हैं, मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, और ये जिला 49 के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चले। और जैसा कि अजय भाई ने भी बताया है कि खाने की क्वालिटी यहाँ की सबसे अच्छी होनी चाहिए और इसकी क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट है। अभी मैंने एक डिश ट्राई की है, बहुत ही टेस्टी है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आएँ और इस रेस्टोरेंट का नाम रोशन करें। अजय सर, विला 49 में ऐसा क्या है जिसको लोगों को आना चाहिए, और रेस्टोरेंट से इसमें क्या डिफरेंट है, फूड है या क्या है, ऐसा भी बताएं। यहाँ हम लोग ज़्यादा ध्यान फूड पे दे रहे हैं, फैमिली क्राउड पे दे रहे हैं, ग्रीन क्राउड पे दे रहे हैं। हमने ITC का जो दिल्ली का सेफ है, 30 साल से ITC में था, उनको लाया हुआ है, प्रमोट बेस्ट शेफ है, बेस्ट शेफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को बेस्ट चाहिए, हमेशा अच्छा फूड, अच्छी सर्विस और अच्छे लोग आ गए, अच्छा क्राउड आ गए। तो और मेरे सारे दोस्त आए, मुझे खुशी हुई, और फिर भी दोस्त आने वाले लोग यहाँ का फूड खाना खाते। और प्लस ये बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। सबसे बड़ी बात ये कि विला 49 डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत यूनिक डिज़ाइन है। साइलेंस में सूरत जगह है, यहाँ पे लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ का खाना, यहाँ का फ्लो, और यहाँ के डीजे एक से एक, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन फ्राइडे सैटरडे वेरी नाइस नाइट होती है यहाँ पे।
हम यहाँ रेगुलर हैं और हमें अच्छा लगता है। मेरा नाम सुनैया है, मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी का और बेस्ट बिजनेस करना चाहता हूँ। और अपना अनुभव करें और यहाँ पर कोई चीज़ की आपको कम्फर्टेबल हो, फैमिली के साथ आइए या ऐसे आइए, आपको यहाँ कुछ अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे सर सर थोड़ा सेंटर भी देखिए और इधर भी सब चलो हो गया सर। बहुत ही अच्छा रहा। मेरा नाम एहसान खान है, एक्टर हूँ, बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्में की आपने देखा। अजय भाई हमारे भाई हैं और ये 49 जो है पूरे बॉलीवुड के लिए बना है। पूरा बॉलीवुड यहाँ आने वाला है, हर वक्त आएंगे। आई टू ब्लेस एहसान भाई मेरे भाई हैं, मेरे भाई से बढ़कर है और उनकी विशेष दिल से देते, वो किसी को भी विशेष देते दिल से देते हैं और वो आए मुझे बहुत अच्छा लगा कि 49 पे मेरे दोस्त एहसान भाई आए। मिला 49 बहुत चलने वाला है इंशाल्लाह। क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करने वाले हैं मिला 49 पे कस्टमर्स को, क्या बताना? मिला 49 में मैंने फाइन डाइन किया है और लॉन्च टाइप किया है। ITC का 30 साल पुराना सेफ है, उनको याद आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको अच्छी सर्विस, अच्छा फूड और अच्छे लोग आवे और फैमिली क्राउड आवे। मैं ज़्यादातर चाहता हूँ फैमिली क्राउड, फैमिली। सर ऐसा सर को देखा है इंडस्ट्री में बहुत कम इवेंट्स पे जाते हैं, मतलब पूरी नहीं कि स्पेशल लॉन्च पे आए हैं, तो कितना क्राउड अच्छा फील कर रहा है। सर भाई के लिए दोस्त है, मेरे भाई जैसे है और स्पेशली आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो मेरे हर फंक्शन में आते हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, भाई है। सर एक मिनट, इधर इधर इधर।